क्या आपने कभी ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जो भेड़ बकरी को उठाकर आसमान में ले जाता है और फिर उसे वहीं से जमीन पर जिंदा ही फेंक देता है? और यही नहीं, ये पक्षी तो इंसानों के बच्चों को भी उठाकर ले जाता है। और क्या आपने कभी ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जो अपने से भी दुगने शिकार को मार के खा जाता है? तो गाइस, मैं आपके लिए इस वीडियो में दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। ये वो बर्ड हैं जो जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी काफी घातक होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, हो सके तो लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन मैगपाई ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे खतरनाक पक्षी है। इसके बारे में आपको एक बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी। ऑस्ट्रेलिया के जिन इलाकों में ये पक्षी रहते हैं, वहाँ के लोग सांप और बिच्छू से इतना नहीं डरते हैं जितना कि इस ऑस्ट्रेलियन मैगपाई पक्षी से डरते हैं। अगर इंसानों पर पक्षियों की हमले की बात की जाए तो ये पक्षी सबसे पहले नंबर पर आता है जिसने इंसानों पर सबसे ज्यादा हमला किया है। अगस्त और सितंबर के दौरान जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तब ये पक्षी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और रोड गलियों या पार्क वगैरह जहाँ पर भी इनके घोंसले होते हैं वहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए ये सरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि ये इनके घोंसले के आसपास से गुजरने वाले लोगों पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर देते हैं। ये हमला कोई नॉर्मल हमला नहीं होता है बल्कि ये अपनी तेज चोंच और नुकीले पंजों से इंसानों की गर्दन, सर और आँखों पर हमला करते हैं। कुछ लोगों की आँखों पर इन पक्षियों ने ऐसा हमला किया कि उन्हें अपनी आंखें ही गंवानी पड़ी। इस बर्ड के डर से इस इलाके में रहने वाले लोग अपने सिर पर बिना हेलमेट पहने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। साउदर्न कैसोवरी, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जिसका वजन 75 से 80 किलोग्राम तक होता है और इसकी हाइट 5 फीट तक होती है। इसका सबसे खतरनाक हथियार इसका पैर है, क्योंकि इस पक्षी की किक बहुत ही हैवी होती है जो कि एक नौजवान व्यक्ति को भी पीछे ढकेल सकता है और इसकी एक किक हड्डियां तक तोड़ सकती है। और इसके पंजे 5 इंच के चाकू की तरह काफी खतरनाक और लंबे होते हैं। 2005 में इस पक्षी को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी घोषित कर दिया गया। एक बार तो एक 13 साल का लड़का इस पक्षी का शिकार हुआ था। इसने अपने पंजों को उसकी गर्दन पर मारा जिससे लड़के की गर्दन की नस तुरंत ही कट गई और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो गई। और इसके अलावा बहुत से लोग इसके हमलों से जख्मी हो चुके हैं। श्राइक बर्ड, ये क्यूट सी दिखने वाली चिड़िया सिर्फ देखने में ही क्यूट है। इसका हमला किसी खतरनाक जानवर से कम नहीं है। ये अपने शिकार को शिकार करने के बाद तुरंत ही नहीं खाती है बल्कि ये उन्हें कांटेदार झाड़ी पर टांग कर छोड़ देती है। इस चिड़िया का शिकार करने का तरीका सबसे अलग है जिसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि ये चिड़िया इतनी खतरनाक होगी। ये चिड़िया तो सबसे पहले अपनी चोंच से अपने शिकार का गर्दन तोड़ देती है और उसे किसी कांटेदार पेड़ पर लटका देती है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके 10 से 12 दिन के अंदर खा जाती है। अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में इस पक्षी के लगभग 30 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। साउदर्न जायंट पेट्रल, ये एक सी बर्ड है जो कि देखने में बड़ा ही अजीब होता है। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये 1 सेकंड में 65 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अक्सर ये दूसरे पक्षियों का शिकार करते हैं और इनमें से ज्यादातर ये पेंगुइन का शिकार जरूर करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि अपने से छोटे पक्षियों का ही शिकार करें बल्कि ये अपने से 2 गुने बड़े पक्षियों का भी शिकार करते हैं। ये उन्हें पहले पानी में डुबो डुबो कर मार देते हैं फिर उन्हें खा जाते हैं। जब ये अपने से बड़े पक्षी और जानवरों का शिकार करता है तो ये कभी कभी खुद भी उनका शिकार बन जाता है। लेकिन ये पक्षी इतना जिद्दी होता है कि ये तब तक हार नहीं मानता जब तक कि ये उसका शिकार ना कर ले या फिर ये जब तक खुद उसका शिकार ना हो जाए। म्यूट स्वान, इन्हें हंस भी कहा जाता है जिन्हें आपने कभी ना कभी किसी नदी या तालाब के किनारे जरूर ही देखा होगा। देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं लेकिन आपको ये जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि ये बहुत ही अग्रेसिव भी होते हैं जो कि कभी भी अपने चोंच से हमला कर सकते हैं। अगर ये स्वान आपके घर के आसपास रहते होंगे तब तो आपको जरूर ही पता होगा कि इनके चोंच के द्वारा किया गया हमला कितना खतरनाक होता है। इसका वेट 15 किलो तक होता है और इसके पर 8 फीट तक चौड़े होते हैं। इसने कई कुत्तों की जानें ली हैं जो कि अपने पर मारकर जानवरों की टांगे तोड़ देते हैं। 2012 में शिकागो में एक व्यक्ति पानी में अपनी नाव चला रहा था जिस पर अचानक ही एक स्वान ने हमला कर दिया और उसे अपनी चोंच से बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया और फिर वो व्यक्ति पानी में ही डूबकर मर गया। यूरोपियन हेरिंगुल, इसे रिंग का मुर्गा भी कहा जाता है। ये देखने में बगुले से भी बड़ा होता है और ये पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। ज्यादातर ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन ये अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं। एक बार इसने बूढ़े कपल के छत के ऊपर अपना घोंसला बना लिया था और फिर वो लोग 6 दिन तक अपने घर के बाहर नहीं निकल पाए। जैसे ही वो अपने घर के बाहर आते थे वैसे ही ये पक्षी उन पर हमला कर देते थे। ग्राउंड ईगल, इस ईगल को आसमानी चीता भी कहा जाता है
जो कि ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है। इस ईगल का लुक ही इतना खतरनाक है कि ये किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। जंगली जानवरों के लिए इससे खतरनाक पक्षी और कोई नहीं हो सकता। ये पक्षी हर तरह के मैमल्स और प्राइमेट्स का शिकार करते हैं। ये हिरन, बंदर और भेड़ों तक का शिकार करते हैं। इन पक्षियों के घोंसलों से बंदरों तक की खोपड़ियां मिलती हैं, जो कि ऊपर से डैमेज थी। इसे देखकर लगता है कि इन्होंने बड़ा ही खतरनाक हमला किया था, क्योंकि इसके पंजे इतने ताकतवर होते हैं जो कि हड्डियों तक को तोड़ सकते हैं। लैमर्जियर, ये दुनिया का सबसे खतरनाक गिद्ध है, जिन्हें दाढ़ी वाला गिद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इनके चोंच के नीचे लंबे से बाल होते हैं। इनका वजन 7 किलो तक होता है। ये पक्षी अपने अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता है, जो कि अपने शिकार के हड्डियों को खाना पसंद करता है। अगर छोटी हड्डी हो तो ये उसे आसानी से निगल जाता है, और अगर हड्डी बड़ी हो तो ये उसे उठाकर आसमान में ले जाता है और उसे पथरीली जमीन या पहाड़ों पर गिरा देता है, जिससे हड्डी टूट जाती है और ये उसमें से बोन मैरो निकाल कर खा जाते हैं। इनके खाने में हड्डियों के अलावा कछुआ भी इनका पसंदीदा शिकार है। ये इसी तरीके से कछुए को भी ऊपर से नीचे गिराते हैं। इनके इसी वजह से बहुत से लोगों को सीरियस इंजरी भी हो चुकी है, क्योंकि अक्सर ये हड्डियां इंसानों के सिर पर भी गिर जाती हैं। ईगल, दोस्तों आपको तो मालूम है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है। इसे तो आसमान का बादशाह भी कहा जाता है। इसका दबदबा आसमान और जमीन दोनों जगह पर रहता है। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है, और ये अपने से कई गुना बड़े जानवरों पर भी हमला कर देते हैं, जैसे कि लोमड़ी, बकरी और जहाँ तक कि ये इंसानों को भी नहीं बख्शते हैं। पहाड़ पर घास खा रही बकरियों को ये एहसास भी नहीं होने देते हैं कि ये उनके पास आ रहे हैं। अगर भेड़ बकरी बहुत ही ज्यादा वजनी हो तो ये अपना दूसरा तरीका आजमाते हैं। ये उन्हें पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, फिर ये उसके जख्मी या मरने के बाद उनका शिकार करके पूरा चट कर जाते हैं। अब बात करते हैं इनका इंसानों पर हमला करने की, तो समय समय पर इनका इंसानों पर हमला करने की खबर आती रहती है, जो कि ये ज्यादातर छोटे बच्चों पर हमला करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर ये ईगल पार्क में बैठे इस बच्चे पर हमला करता है। बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वो कुछ दूरी पर ईगल के पंजों से छूट जाता है, नहीं तो ये बच्चे को उड़ाकर ही ले जाता और इसका अंजाम बड़ा ही भयानक हो सकता था। ये ईगल्स इंसानों पर भी हमला करने से नहीं डरते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। आप सभी ने अपने जीवन में तो आदिवासी कबीलों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बाहरी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। वैसे ही अमेजोन के जंगल में भी बहुत सारे ऐसे कबीले पाए जाते हैं, जो कि बाहरी दुनिया से पूरी ही तरह से कटे होते हैं। पर दोस्तों कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी अमेजोन के जंगल में बहुत ही सारे अज्ञात कबीले रहते हैं।